मॉडलिंग फिल्म्स प्रेजेंट्स। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ बाप का कर जाते ना कदे चुकाया जा, कि हम जीवन में लाख कोशिश कर लें लेकिन कभी भी अपने माँ बाप का कर्जा नहीं चुका सकते। जीवन में कभी भी हम अपने माँ बाप का कर्जा नहीं चुका सकते, चाहे हम चारों धाम घूम करके आ जाएं, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा नहीं की तो वो चारों धाम घूमना बिल्कुल बेकार है। कवि ने एक बड़े ही प्यारे से भजन के माध्यम से किस प्रकार से क्या बताया, आइए। माँ बाप का कर्जा है, माँ बाप का कर्जा है ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा है ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा है ना कदे चुकाया जा। तू उन्हें भूल गया, तू उन्हें भूल गया, उन पे ना भुलाया जा, माँ बाप का कर्जा है गर्भ में रखा। और कवि पहली कड़ी में क्या बताता है जी, क्या? माँ कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा, माँ कैसे भूल सके 9 महीने गर्भ रखा, तेरे कारण उसने तो हाय कष्ट घना चाख्या, तेरे कारण उसने तो हाय कष्ट घना रखा, बैठ रोए चाहे
हंसते ने चाहे आप बैठ रो हंसते ने चाहे आप बैठ रो चाहे कितना है दुख हो जा चाहे कितना है दुख हो जा ना दर्द बताया जा चाहे कितना है दुख हो जा ना दर्द बताया जा माँ बाप का कर जाते ना कदे छुपाया जा माँ बाप का कर जाते ना कदे छुपाया जा तेरे दूध का कर्ज चुकाना तू दूध का कर्ज चुकाना मेरा दूध का कर्ज चुकाना मेरा कहता है क्या कि तेरे बाप ने कितना परेशान होकर के तेरी स्कूल की फीस भरी थी कि किसी तरह से मेरा लाल है वो सफल हो जाए किसी तरह से मेरा लाल सफल हो जाए लेकिन आज तू उस बाप के एहसानों को भी भूल गया आज तू उस बाप के एहसानों को भी भूल गया कभी तीसरी कड़ी में बाप के बारे में क्या बताता है जी माया कारण था तू बचना ते फिर क्या ओ माया कारण था तू बचना ते फिर क्या चौथी कड़ी में किस प्रकार से क्या बताता है कवि भगवान न माफी करे माँ बाप सताए ते भगवान न माफ करे माँ बाप सताए ते अरे राम केस पूजा दुनिया में ते आए ते करे राम केस पूजा दुनिया में आए थे भगवान न माफ करे माँ बाप सताए थे भगवान न माफ करे माँ बाप सताए थे करे राम केस पूजा दुनिया में जाए थे करे राम केस पूजा दुनिया में आए थे जाते
ना कदे चुकाया था।